तीन बार एम्ब्रियो ट्रांसफर आपने करा दिया है और अनफॉर्चुनेटली यू आर नेगेटिव, तो कई बार हॉस्पिटल में जाते ही ये प्रश्न होता है कि फोर्थ टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफर कराने के बाद क्या पॉजिटिव आएंगे। एक निराशा सी हो जाती है एंड दूसरा एक फियर, डर लगता है। क्या इससे ज़्यादा हॉर्मोनल ट्रीटमेंट लेने पे बॉडी में कोई नुकसान तो नहीं ना? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिवानी शाह, कैंडर आईवीएफ सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। एम्ब्रियो ट्रांसफर की मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितने लेने चाहिए, ये एक्चुअली हमारे साइंस में भी एक ग्रे एरिया है। और ग्रे एरिया मालूम है क्यों है? क्योंकि जो सबसे पहला एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद बेबी हुआ था, लुइसी जॉय ब्राउन, जो 25th of July 1978 में एक साइंस की मिरेक्युलस अचीवमेंट थी, उनकी मदर ने 112 टाइम्स अटेम्प्ट्स लिए थे, फेल्ड अटेम्प्ट्स ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसके बाद ये पॉजिटिव आए थे। एंड उस समय तो आईवीएफ एक तरीके की खोज की प्रक्रिया थी, इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, और उसके 112 अटेम्प्ट्स के बाद भी उनकी मदर फिट एज फिडल है, शी इज कम्प्लीटली फाइन, नो एनी डिसीज। तो अभी तो साइंस ने इतनी सारी टेक्नोलॉजी एडवांस कर ली है ना कि आपको 112 अटेम्प्ट तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। बट यूजुअली हमारी स्टडीज ऐसी कहते हैं कि किसी भी पेशेंट को एट मैक्स 6 अटेम्प्ट्स में तो उनको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ ही जाती है, और अगर उनको 6 अटेम्प्ट्स के बाद भी पॉजिटिव नहीं आती तो देर इज अ डेफिनेट डायग्नोसिस ऑफ द कॉज कि वो वाकई में क्या कभी प्रेगनेंट हो सकते हैं या नहीं। सो ऐसा नहीं है कि आपने एम्ब्रियो ट्रांसफर एक या दो बार कराया है तो आप उसके बाद करा रहे हैं थर्ड या फोर्थ टाइम तो आपको सक्सेस रेट कम मिलेगा, रादर उसका इंक्रीजिंग सक्सेस रेट ज्यादा है। ये आपको समझना पड़ेगा कि किसी डॉक्टर के लिए जब आपकी साइकिल नेगेटिव जाती है तो डेफिनेटली वो दुख का दिन तो होता ही है कि इट्स नेगेटिव, बट डॉक्टर को कुछ नया पता भी चलता है अंदर कि शायद ये चीज को हमें सही करने की जरूरत है टू मेक यू प्रेग्नेंट। सो ऑलवेज आईवीएफ एक ऐसी सारवार है कि जिसमें इंक्रीजिंग अटेम्प्ट्स के साथ आपका सक्सेस रेट बढ़ता है, एंड नाउडेज एट मैक्स 6 अटेम्प्ट्स में तो यू कैन एंजॉय योर मदरहुड। सो डोंट हैव दिस फियर, और ना ही ये गिल्ट में रहे कि आपको रिपीटेड आईवीएफ के बाद पॉजिटिव नहीं आएगा। विद इन 6 अटेम्प्ट्स यू कैन गो थ्रू और यू कैन कम विद अ कंक्लूसिव डायग्नोसिस कि आपको आगे क्या करना है। थैंक यू।